भक्त प्रहलाद के सत्य की जीत, होलिका के असत्य का दहन, रंग तरंग उमंग और मित्र संघ के त्योहार पर आपको नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। वो कहते हैं ना कि जिनकी भक्ति में शक्ति है तो भगवान भी उनके लिए पृथ्वी पर आते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है नन्हे प्रहलाद और उनके भगवान नारायण की। दरअसल नन्हे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे। वही प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। भगवान के आगे उसे कुछ नहीं दिखता, यहाँ तक उसके पिता का क्रोध भी उसे भगवान विष्णु की भक्ति से रोक नहीं पाया। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रहलाद की भक्ति ने होलिका को उसके जलाई आग में खुद ही खाक कर दिया और कैसे हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नाम की स्त्री से हुआ था, जिसे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बना था। दरअसल जब हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने में लीन था, उस समय देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। तब देव ऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की थी और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया था। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण वो विष्णु भगवान का भक्त बन गया था। इधर जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरणाक्ष ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान नारायण ने अपना तृतीय अवतार वराह लेकर उसका वध कर दिया था और पृथ्वी को समंदर से निकाल दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि वो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। इस कारण उसने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। लगभग 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा ने दर्शन दिए। उसने वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना हो, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु। इसके साथ ही उसकी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से, ना दिन में हो ना रात में, ना घर के अंदर हो ना ही घर के बाहर, ना भूमि पर हो ना आकाश में। इस वरदान को पाकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। भगवान ब्रह्मा से ये वरदान पाकर उसने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था और इंद्र का भी आसन छीन लिया था। जगह जगह उसने अधर्म के कार्य किए और ऋषि मुनियों की हत्याएं करवा दी। वो खुद को भगवान मानने के लिए लोगों को बाधित करने लगा, लेकिन खुद उसका 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त में लीन रहता था। शुरू में तो उसने अपने छोटे से पुत्र को धमकियां दी, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसने उसकी हत्या के कई षड्यंत्र रचे। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को सांपों से भरे कक्ष में रखना, हाथियों के पैरों के सामने फेंकना, पर्वत से गिराना, अग्नि से जलाना, कई चीजें शामिल हैं। लेकिन हर बार प्रहलाद की भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा कर ली जाती थी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। होलिका को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी अग्नि नहीं जला सकती। इसी का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद वहां से भाग न सके और वह उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। चूंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, इसलिए वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि उस अग्नि में होलिका जलकर खाक हो गई, जबकि प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने होलिका को वरदान देते समय ये भी कहा था कि यदि वो इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो वो वरदान स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा। वहीं भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे अपने भक्त प्रहलाद पर ये सब अत्याचार होते देख रहे थे और धीरे धीरे उनका क्रोध का घड़ा भरते जा रहा था। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से विष्णु के होने का प्रमाण मांग रहा था। तब प्रहलाद ने कहा कि वो तो कण कण में है। इस पर हिरण्यकश्यप ने अपने भवन में एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वो इसमें भी है? तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ तोड़ दिया। जैसे ही वह स्तंभ टूटा, उसमें से भगवान विष्णु का अत्यंत क्रोधित रूप नरसिंह अवतार ने प्रकट लिया, जिसका आधा शरीर शेर का था और बाकी का शरीर मनुष्य का था। उस नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर शाम के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान की काट ढूंढकर हिरण्यकश्यप का अंत किया
और उसका उत्तराधिकारी भक्त प्रहलाद को बनाया। तो आज जाना आपने नन्हे प्रहलाद की भक्ति, और साथ ही हमने आपको आज बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार में वध किया। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।